प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय कृष्ण ही भगवान है पर मेरोली में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। फल का अर्थ है बीज बो, आम का बीज बो, आम का पेड़ 5-7 साल तैयार हो, बाद में उनके ऊपर आम का फल लगता है और वो फल परिपक्व होता है। तब सूख तोता उनको खाता है तो वो फल और मीठा हो जाता है। उसी तरह श्रील व्यासदेव ने वेद वेदांत वेदांत सूत्र श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र वगैरह कई ग्रंथ लिखे, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ और वो खुद ग्लानी दुख महसूस करने लगे और उनको डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गया और जैसे रो रहे हैं वैसे सरस्वती नदी के किनारे वो हिमालय पे माना गांव है बद्री का आश्रम से आगे, वहाँ उनका आश्रम है, वहाँ सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए, उदासीन हो गए, उदास हो गए। तो इतने में उनके गुरुदेव नारद मुनि वहाँ आए और उन्हों को उनके उदास होने का कारण बताया कि देखो आपने अभी तक जो भी साहित्य लिखा है वो साहित्य में आपने गड़बड़ बहुत की। क्या गड़बड़ की? एक तो आपने कलयुग का मनुष्य इंद्रिय तृप्ति विषय तृप्ति धर्म अर्थ काम में लगे हैं और उनको जो चाहिए था वो आपने परोसा। अभी तक खिचड़ी पकाई आपने और हर ग्रंथ में आपने हर एक को भगवान बना दिया। देवी पुराण में देवी को, शिव पुराण में शिव को, विष्णु पुराण में विष्णु को, वेदों में इंद्र को, बृहस्पति को, सरस्वती को, देवों को, देवताओं को, सबको आपने भगवान बना दिया। और वैसे भी इन कलयुग के मनुष्य अपने आप को तो भगवान कहते ही हैं, मैं भगवान हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ। तो वैदिक ये सारा समाज मनुष्य अपने आप को भी भगवान समझ रहे हैं और आपको भगवान बना ही दिए उन लोगों को, अहम ब्रह्मास्मि करके, मैं ब्रह्म हूँ, सो हम, तू जो है वो मैं हूँ, हम दोनों एक हैं, सो हम सो हम सो हम सो हम, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, उसमें भगवान का नाम कहाँ है? इन मंत्रों में जो मंत्र में श्री कृष्ण का नाम ना हो वो मंत्र बिल्कुल यूजलेस फिजूल का मंत्र है। मंत्र भगवान के नाम से बनता है। मन प्राणायते इति मंत्र, मन को मुक्ति दे, वो मंत्र है और भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं। मुकुंद
मुकुंद मुक्ति देने वाले। तो मेरे प्यारे शिष्य व्यास, तुमने अभी तक खिचड़ी पकाई, सबको भगवान बना दिया और सबको काम सेंस ग्रेटिफिकेशन परम चरम लक्ष्य बताया। भैया भौतिक सुख, भौतिक काम, भौतिक सेक्स, भौतिक स्वर्ग, ये सब गोल बता दिया, ये सब जीवन का परम चरम लक्ष्य बताया आपने। मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? तो अभी जब आपने जो भी साहित्य लिखा है, ये सारा साहित्य गार्बेज है, कूड़ा है। क्या है? कूड़ा। वायस तीर्थम, ये शब्द का प्रयोग किया नारद मुनि ने। वायस का अर्थ है कौवा, तीर्थम का अर्थ है कौवा जहाँ चिपक के रहता है गंदगी में। कौवा गंदगी में पहले गार्बेज का ढेर होगा, सबसे पहला कल कौवा देखोगे। वायस तीर्थम, तो भगवान कौन है? भगवान के भक्त कितने हैं? शुद्ध भक्त कहाँ है? उन दोनों में आपस में प्रेम के विनिमय आदान प्रदान की लीलाएं कहाँ हैं? बस आपने तो राक्षसों को मारना, किसने मारा, क्या किया, ये सब लीलाएं बताने से फायदा क्या? कल्याण कहाँ है? मनुष्यों का कल्याण का ग्रंथ कहाँ है? और उनमें भगवान की लीलाएं, यत्वाक विसर्गो जनताप विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोक अवद्वापि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो वो अनंत भगवान का यश, लीला, रूप, गुण, धाम, परिकर, उनके साथ उनकी लीलाएं, प्रेम का आदान प्रदान का। तो बाद में नारद मुनि उनको चतुर्श्लोकी भागवत और उनका भागवत का परिभाष्य, परिभाषा सूत्र के रूप में दो श्लोक बताते हैं। उनमें से एक श्लोक है कौन भगवान है वो एस्टैब्लिश करो, भगवान कौन है। तो पहला परिभाषा का श्लोक सूत्र, वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सर्वदा। एब्सोल्यूट ट्रुथ अर्थात तत्व एक है, उनको कोई लोग ब्रह्म के रूप में, निराकार रूप में, कोई लोग परमात्मा, हृदय में योगी लोग निराकार निरंकारी ज्ञानी ब्रह्म के रूप में, और भक्त भगवान के रूप में समझते हैं। लेकिन ये तीनों हैं एक, लेकिन ये तीनों आते हैं श्री कृष्ण में से। तो दूसरा श्लोक उनको कहना पड़ा, पहला परिभाषा भागवत जिनके ऊपर सारी भागवत ग्रंथ का रचना हुई है, वो पहला श्लोक क्या है? वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सर्वदा। और दूसरा श्लोक परिभाषा का क्या हुआ? इसीलिए ये तीनों की फिर से खिचड़ी न पके। तीन एक तो हैं, लेकिन उनमें स्वयं भगवान कौन है? तो उसका उसकी परिभाषा करते हुए नारद मुनि कहते हैं कि सारे 24 अवतार, सारे अवतारों की, विष्णु अवतार, तीन विष्णुओं की, कर्णोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार,
वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, सब अवतारों की कथा करी और बाद में ये श्लोक परिभाषा सूत्र नारद मुनि समझाते हैं कि एते च अंश कलापुंच, आगे जो मैंने अवतारों की कथा कही वो सब अवतार इन कृष्ण के अंश हैं, या अंश के अंश हैं, या कला है, या कला की कला है। एते च अंश कलापुंच, कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। जब इंद्री इंद्र देवी देवताओं भगवान के भक्तों को जब राक्षस पीड़ित करते हैं, इंद्र अरि व्याकुलम लोकम सब लोगों को व्याकुल करते हैं, दुखी करते हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, नर्क लोक, रसातल, तलातल, महातल, स्वर्ग, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ये सब लोगों को जब राक्षस लोग पीड़ित करते हैं तो मृदयंती युगे युगे, एक कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो खुद आते हैं। तो स्वयं भगवान, स्वयं का अर्थ क्या है? स्वयं, स्व यम, स्वयं का अर्थ क्या है? खुद। स्वयं का अर्थ क्या होता है? स्वयं का अर्थ क्या है? दूसरा नहीं, खुद। तो मेरे पीछे ये श्लोक बोलिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तू का अर्थ है ही, ही हिंदी में हम ही करते, तुम ही, कृष्णा कृष्णा ही, भगवान स्वयं भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ऐसा कौन कह रहे? व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा और आचार्य, शास्त्र कह रहे हैं, वेद, पुराण, इतिहास, कॉरोलरी लिटरेचर, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, सब शास्त्र कह रहे हैं एक भगवान है, एक द गॉड है, वो है, वो कौन है? कौन है? नहीं बोले उनको डर लगता है, मेरा इष्ट देव रुष्ट हो जाएगा, मेरे पर क्रोध हो जाएगा। वो इष्ट, आपके इष्ट देव का इष्ट कौन है? कृष्ण। उनको पूछ लीजिए, आपके इष्ट देव को पूछ ले कि आपका इष्ट कौन है, और कृष्ण को पूछोगे तो वो कृष्ण क्या कहेंगे? मत परतरम नान्यत, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? मेरे से पर, नान्यत का अर्थ क्या है? मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरा बाप कोई नहीं। उनका बाप अंगीकार उनने किया है, नंद महाराज को उन्हें स्वीकृत किया है, लेकिन वो उनका बाप नहीं है, नंद महाराज उनका कोई बाप नहीं, जिनका कोई बाप नहीं वो भगवान। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो एक भगवान है, वो कौन भगवान है? भगवान कौन है? ओके, एक गलत फहमी ये है, लोग कहते हैं कृष्ण विष्णु का अवतार है। कौन कहते हैं लोग? हाथ खड़ा कीजिए। तो कौन कहते हैं कि ये कृष्ण विष्णु का अवतार है? हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बस इतना ही, इतना ही हाथ खड़ा कीजिए, कितना बराबर ऊंचा ऊंचा हाथ। आप सब गलत हो, आप सब क्या हो? गलत हो। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध तीसरा अध्याय पहला श्लोक, वहाँ से शुरू करते हैं अवतारों की कथा, और पहला अवतार कहते हैं विष्णु अवतार। भगवान कृष्ण का पहला अवतार कौन है? विष्णु। तो पहला कर्णोदक्ष विष्णु, मैंने श्लोक कोट किया आपको, कौन सा?
भागवत का पहला स्कंद तीसरा अध्याय पहला श्लोक क्या कह रहा है कि करणो दक्ष कारण जो ये भौतिक जगत का कारण है वो कारणो दक्ष विष्णु ये पहला होता है और वो कारणो दक्ष विष्णु का विस्तार अनेक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में होता है और वो ब्रह्मांड में अगेन गर्भोदक्ष विष्णु का विस्तार क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में होता है जो अणु अणु में कण कण में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो ये तीन पुरुष अवतार ये कृष्ण के अवतार हैं और बाकी के अवतार कितने हैं कृष्ण के कितने हैं अवतार बोलिए मैंने शिक्षा की दी है उन लोग को। बाकी गलत फहमी क्या है कृष्ण के कितने अवतार हैं अवतार भगवान के कितने हैं 24 कितने अवतार हैं कौन कहता है 24 अवतार हाथ खड़ा कीजिए तो वेरी गुड अरे आप तो इनिशिएटेड भक्त हो डॉक्टर आप भी इनिशिएटेड भक्त भगवान के कौन कहते हैं 24 अवतार हैं हाथ खड़ा कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं गलतफहमी है ये सब गलतफहमी है। भगवान के अवतार अनंत हैं। भागवत का पहला स्कंद तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 24 सरसह सरस्यु क्या है सर का अर्थ है तालाब झील अमृत सर क्या अमृत सर अमृत का तालाब या झील। तो उन तालाब में जितने लहरें आती हैं उठती हैं इतने अवतार हैं। तो अमृत सर में कितनी लहरें उठती हैं अनंत। तो इतने अवतार भगवान के। तो ये श्लोक मैंने कहा 24 अवतार ही असंख्या या हरे सत्व निधेर द्विजा सत्व निधे अर्थात भगवान सत्व निधे निधे मीन्स सागर सत्व निधे मीन्स भगवान कृष्ण। तो निधि शब्द सागर शब्द क्यों उपयोग किया सागर में जितनी लहरें उत्पन्न होती हैं इतने अवतारा असंख्या या असंख्य अवतार है। कुल्या सरसह स्यु सरसह स्यु सहस्त्र सह मेरे पीछे बोलिए मैं भी कंठस्थ करना चाहता हूँ सरसह स्यु सहस्त्र सह सरसह स्यु सहस्त्र सह। तो सर सह तालाब में स्यु का अर्थ है आर का अर्थ है मैनी बहुत से आर का इंग्लिश आर इंग्लिश। तो सहस्त्र स्यु आर सर सह स्यु सहस्त्र सह। तो तालाब में जितने लहरें उठती हैं इतने भगवान के अवतार भगवान अनंता अनंत भगवान के अवतार कितने अनंत अनंत भगवान के नाम कितने अनंत अनंत भगवान का सब कुछ कितना अनंत। तो ये दूसरी गलत फहमी पहली गलत फहमी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। दूसरी गलत फहमी क्या है भगवान के अवतार 24 कितने हैं अनंत है। आगे गलत फहमियाँ हमें देखते रहेंगे। भगवान अजन्मा है जन्म कर्मच मे दिव्यम
तो भगवान श्री कृष्ण का क्या जन्म हुआ? जन्म हुआ है? भगवान श्री कृष्ण क्या मर गए? हाँ, भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया? भगवान कृष्ण का शरीर और भगवान कृष्ण का आत्मा, भगवान कृष्ण की आँखें, नाक, हाथ, मुंह, सब कुछ एक है, एक दूसरों से अलग नहीं है, इसीलिए एक दूसरों का काम कर सकते हैं। भगवान अपनी दृष्टि गोचर, अपनी दृष्टि पात से दुर्गा को प्रेग्नेंट कंसीव कर सकते हैं। और किया भगवान स इक्षत, भगवान ने इक्षण किया दुर्गा पर और दुर्गा देवी से सबका जन्म हुआ। दुर्गा इज ए सेकेंडरी क्रिएटर, ओरिजिनल क्रिएटर कौन है? तीसरी चौथी भलत गलत फहमी। सब हिंदू लोग क्या कहते हैं? क्रिएटर ब्रह्मा है। कौन है? कौन क्रिएटर कौन है? या तो कहते हैं दुर्गा, दुर्गा इज ए क्रिएटर, है ना? तो सृष्टि का रचयिता कौन है? दुर्गा और ब्रह्मा या कौन? ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? वो क्या है? क्रिएटर नहीं, ये सेकेंडरी क्रिएटर है। मुर्गी पहले कि अंडा? मुर्गी पहला कि अंडा? अंडा तो फिर मुर्गी, मुर्गे के बिना अंडा आया कहाँ से? मुर्गी पहले कि अंडा? अगर अंडा तो मुर्गी के बिना अंडा कैसे आया? अंडा के बिना मुर्गी कैसे आई? तो दोनों से पहले कृष्ण। जैसे आज मैं प्रभुपाद को सुन रहा था सुबह, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान का, ये भगवान है। एक छोटा सा बनियन ट्री, बरगद के वृक्ष का इतना बीज होता है और इतने बीज में सारा बरगद का वृक्ष, और बरगद के वृक्ष पर अनंत बीज होते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान है, कि वृक्ष बीज में वृक्ष सारा समा देते हैं और वृक्ष पे अनंत बीज, ये भगवान है, भगवान की क्रिएशन। तो मुर्गी और अंडा के पहले कौन है? कृष्णा द क्रिएटर। तो ब्रह्मा ये सेकेंडरी क्रिएटर है, दुर्गा ये सेकेंडरी क्रिएटर है, सृष्टा सर्जन करने वाले, ब्रह्मा सर्जन करने वाले ओरिजिनल नहीं है। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं कि ये मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का बर्तन किसने बनाया? श्योर? हाँ, आप श्योर का हिंदी क्या है? ये श्योर है, पक्का पक्का? मिट्टी का बर्तन किसने बनाया? पक्का नहीं, कच्चा। मिट्टी किसने बनाई? मिट्टी किसने बनाई? तो सी ऐसे ही हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, ओरिजिनल सृष्टा सर्जनहार, मूल ओरिजिनल सर्जनहार कौन है? कृष्णा। और ब्रह्मा और दुर्गा ने, भगवान ने बनाया हुआ सब इंग्रेडिएंट लिया, सब सामग्री ली और उनका मिक्सचर करके दूसरी चीज़ बना दी, मिट्टी का बर्तन। तो हम कहते कुम्हार ने बताया, कुम्हार ने बनाया, ये गलत फहमी। कितना भी ये कितनी गलत फहमी हो गई? हाँ, कृष्ण ही सबका स्रोत है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि सर्व कारण कारणम, सब कारणों का कारण कृष्ण है। ये गलत फहमी है। आगे वाली गलत फहमी क्या है? कृष्णा कृष्णा आए, जन्म लिया और बाद में
गुजरात में बालका तीर्थ में ऐसे पग पर पग चढ़ा के ऐसे लेटे थे और हंटर ने क्या लगाया, तीर लगाया, तो भगवान मर गए। अरे आपके पाँव में मैं तीर लगाऊं तो क्या आप मर जाओगे? कौन मर जाएगा इधर? आपके पाँव में अगर मैं यहाँ तीर लगाऊं तो क्या आप मर जाओगे? तो भगवान जो महाभारत के युद्ध में इतने तीर चल रहे थे और उनको भी तीर लगे, अर्जुन के आगे बैठे हैं भगवान जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तीर का मारा, वहाँ भगवान वहाँ तक नहीं मरे, आखिरी तक भगवान और पांच पांडव रहे, तो वो भगवान क्या तीर से मर गए? तीर पाँव में लगा और मर गए? नहीं, भगवान और भगवान श्री कृष्ण का शरीर अलग नहीं है, भगवान और भगवान का शरीर अलग नहीं है। जैसे भगवान आए वैसे भगवान अपने शरीर के साथ वापस गए। वो श्लोक है 11th स्कंद 31st chapter and 6th sloka, sixth sloka याद रहा? घर जाके किसके घर? भागवत है, भागवत पुराण, घर जाके देखना भागवत पुराण श्लोक संख्या 11.36.6 लोका विरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम। भगवान ने अपने आप में ध्यान किया और लोकाभिरामम, भगवान श्री कृष्ण को का नाम क्या है? लोकाभिरामम। लोकाभिरामम मीन्स सारे दुनिया सारे लोकों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले कृष्ण। कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि कृष आकर्षण करते हैं, कर्षति अण नकारात्मक, तो जो अपने और सबको आकर्षित करते हैं वह है कृष्ण। तो लोका अभिरामम का अर्थ है सब लोगों को आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण। स्वतनु, तनु का अर्थ कौन जानते हैं? तनु का अर्थ क्या है? मैया पीछे कोमल नहीं, तनु का अर्थ क्या है बेटे? शरीर, वेरी गुड। तनु का अर्थ क्या है? तनु तन तन मन धन तनु। तनु का अर्थ क्या है? सो स्वतनु का अर्थ क्या है? स्वतनु का अर्थ क्या है? स्वतनु का अर्थ क्या है? अपने खुद का शरीर के साथ भगवान तिरोहित हुए, जैसे भगवान अवतरित चार हाथ वाला स्वरूप लेके फुल हेडेड हेयर कस्तुभ मणि और बाजूबान पीला पीताम्बर जरकसी जामा करधनी सुंदर श्रृंगार सच के दज के भगवान आए, दर्शन दिया, तसल्ली दी, मैं आ गया हूँ। बाद में भगवान उनके शिशु बने। तो ये गलत फहमी, क्या गलत फहमी? कि भगवान मर गए, भगवान शरीर छोड़ गए, भगवान ने तीर मारा और भगवान क्या हुआ? तो ये गलत फहमी, कई गलत फहमी है। 5 मिनट मेरे पास हैं तो मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म तिरोहित होना अवतरित होना सब दिव्य है, अलौकिक है, भौतिक नहीं है। तो किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन एट ऑल? कोई क्वेश्चन?
यस बोले ठीक है। भगवान के अवतार अनंत है, खाली सीमित चॉइस या टेन नहीं है, ठीक है। और ये अवतारों की कथा भागवत में पहले स्कंध में तीसरे अध्याय में है, ठीक है, जहाँ कहा है भगवान कृष्ण ही मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर कृष्ण है। और कोई सवाल मुंह में लगाओ माइक्रोफोन। कलयुग का पैदाइश। ओके, कैन यू पुट योर माइक्रोफोन राइट टू योर माउथ, योर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए। यदि कृष्ण वृंदावन में बाद में आपके हृदय में बाद में आपके घर में भाव ग्राही जनार्दन भाव से पैदा हो जाएगी। भाव बताओ गुरु जी, मैं वेद शास्त्र कुछ नहीं जानती, कलयुग की पैदाइश हूँ, सिर्फ इतना जानती हूँ कि भगवान कृष्ण ने अन्याय के प्रति अवतार लिया था और उन्होंने अन्याय से लड़ाई किया। आज मैं उस कृष्ण को ढूंढ रही हूँ, कलयुग की नारी हूँ इसलिए उस कृष्ण को। माता जी कली काले कृष्णा नाम रूप अवतार, भगवान के नाम में श्री कृष्ण मौजूद है, हमें ढूंढना होगा, हमें भाव भाव से प्रकट होते हैं भगवान। गुरु जी तो आप भाव बताओ भगवान प्रकट हो जाएंगे। गुरु जी ऐसा नहीं है, भाव इंसान। ठीक है तो आप ढूंढिए आपकी रीत से, हम हमारी रीत बताते हैं, आपकी रीत से आप ढूंढिए, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप सुनो मैया, एक ही इनका उत्तर है, ज्यादा हमें समय है नहीं, बाद में मिलो, एक ही उत्तर है उनका। आप भाव और प्रेम से चाहोगे तो वो आपसे अवतार लेगी, लेकिन भाव बताओ पुष्णी गर्भा जैसा और सुतपा जैसा, ऐसा भाव ऐसा तप ऐसा प्रेम भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्ण।